जब ऐसी खबरें पढ़ती हूँ कि 28-27 साल की लड़की को कैंसर हो गया, वो भी स्टेज 4 कैंसर हो गया, तो पढ़ के एक अजीब सा डर लगता है कि मतलब हम उसी एज ग्रुप का ही पार्ट हैं और सिमिलर काइंड ऑफ फैमिली से आ रहे हैं. वो एक नॉन स्मोकर थी एंड जस्ट बिकॉज ये पाया गया है कि एयर पोल्यूशन जो था वो रिलेटेड है, वो रीज़न है उसके कैंसर का, उसके लंग कैंसर का. पॉल्यूटेड एयर में वही केमिकल्स होते हैं जो सिगरेट स्मोक में होते हैं, और सिगरेट स्मोक को एक नॉन कार्सिनोजन एक्सेप्टेड है, और इसीलिए WHO ने 2013 में पॉल्यूटेड एयर को भी क्लास 1 कार्सिनोजन के रूप में मान्यता दी थी. तो जब सिगरेट स्मोक का हम सबको पता है कि उससे कैंसर होता है, तो जब वही केमिकल पॉल्यूटेड एयर में है, तो आज की तारीख में दिल्ली शहर में जन्म लेने वाला नवजात शिशु 25 साल इस शहर में रहा तो वो तो 25 साल से स्मोकर है, तो उसको 25-30 साल की उम्र पे अगर लंग कैंसर हो गया तो उसमें अचंभे की कोई बात नहीं है.